हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लासेस। सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग जो है पूर्वोत्तर रेलवे के लखनऊ डिवीजन में हुए सीसीटीसी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे। यह जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप मेरा दावा है कि 90% से एवं जो क्वेश्चंस हैं वो ऑलरेडी हमारे सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। 90% प्लस क्वेश्चंस जो है आपको टैली कर जाएंगे। आइए क्लास को देखते हैं और इस पर चेक करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज फ्री अलाउंसेस फॉर स्लीपर क्लास टिकट। कहता है स्लीपर क्लास टिकट के लिए फ्री अलाउंसेस जो होता है वह कितना होता है, स्लीपर क्लास के लिए जो है निशुल्क भत्ता कितना होता है, फ्री अलाउंसेस कितना होता है। इसका जो आंसर होता है वो 40 kg होता है, मतलब 40 kg तक आप स्लीपर क्लास में एज ए फ्री अलाउंसेस लेकर अपने सामान को जा सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लास का जो यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रिस, क्रिस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो आंसर होगा सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। देखिए आप इसके ऑप्शंस को गौर से पढ़िएगा तो थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है, ठीक है ना। इसलिए बार बार कहते हैं कि जब भी आप एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके ऑप्शंस को बड़ा केयरफुल होकर पढ़िएगा। अगर कोई सही से ना पढ़े तो ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सोसाइटी दिया है। अगर सही से नहीं पढ़िएगा तो आप ऑप्शन ए कर दीजिएगा। जबकि क्रिस का जो फुल फॉर्म होता है वो सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। ये भी हमारे सरकेंड्रॉन एलडीसी क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। देखते जाइए, आपको 90% सुपर क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से टैली करेगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल। जोनल लेवल पे जो होता है कमर्शियल डिपार्टमेंट का हेड कौन होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए PCCM, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल जो मैनेजर होते हैं वह जोनल लेवल पे कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि डिविजनल लेवल पर कमर्शियल डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये भी क्वेश्चन हमारे चैनल पर उपलब्ध है, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मच फेयर इज टेकन ऑन PTO टिकट्स। कहता है जब हम PTO से टिकट को बुक करते हैं तो PTO पर हमें कितना भाड़ा देना पड़ता है, कितना किराया देना पड़ता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 1/3, मतलब जब हम टिकट अपने PTO से बनवाते हैं तो जो सामान्य जो जनरल पब्लिक का जो फेयर होता है, भाड़ा होता है, उसका 1/3 देना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर एक सामान्य पैसेंजर्स को, जनरल पब्लिक को 900 रुपये का भाड़ा लगता है, किराया लगता है किसी टिकट का, तो अगर उसी टिकट को अगर आप PTO पे बनवाइएगा, प्रिविलेज जो टिकट ऑर्डर होता है उस पर बनवाइएगा, तो आपको 1/3 भाड़ा लगेगा, मतलब 900 × 1/3 कीजिएगा तो 300 रुपये, मतलब आपको PTO पे 300 रुपये लगेगा, ठीक है ना। तो 1/3 भाड़ा लगता है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ये भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है PRS स्टैंड फॉर, PRS का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका जो एक्सटेंड फॉर्म होता है, मतलब एक्सपेंड फॉर्म होता है, वो होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम होता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक्सीडेंट केसेस आर सेटल्ड बाई, एक्सीडेंट जो केसेस होते हैं रेलवे में वह किसके द्वारा सेटल किए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो RCT होता है। RCT का एक्सपेंड फॉर्म जो होता है वो होता है रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल, मतलब रेलवे में जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसका जो सेटलमेंट होता है वह RCT द्वारा किया जाता है, रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। यह भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हु कैन नॉट बाइड इन रेलवे ऑक्शन। कहता है कि रेलवे नीलामी में कौन बोली नहीं लगा सकता है। जैसे रेलवे क्या करती है, जो भी टेंडर्स वगैरह होते हैं या कोई चीज़ें होती है उसका वो ऑक्शन करता है, बेचती है, नीलामी करती है, तो उसमें से कौन जो है उस नीलामी में भाग नहीं ले सकता है। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए, जैसे पहला ऑप्शन है रेलवे एम्प्लॉई है, पब्लिक है, ऑथोराइज एजेंट है, नन है। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन रेलवे एम्प्लॉई है वह रेलवे के ऑक्शन में भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा।
क्वेश्चन अगला है, यूटीएस टिकट्स कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ इशूड, आंसर विल बी ऑप्शन बी 3 आवर्स। कहता है यूटीएस जो टिकट्स होते हैं, अनरिजर्व जो टिकट सिस्टम के द्वारा जो टिकट जनरेट होते हैं, वह इशू होने के 3 घंटे के अंदर आप उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर 3 घंटे से अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वह टिकट कैंसिल नहीं होता है। यह भी हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपको बार बार कहते हैं कि जितने भी हमारे YouTube चैनल पर जो वीडियोज हैं वो सफिशियंट हैं आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के लिए। 90% प्लस तो आ ही जाएगा, 10% आपके डिविजनल लोकल हो सकते हैं क्वेश्चन, जो आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा अपने डिविजन का, अपने जोन का। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग कैटेगरी ऑफ स्टेशन। कहता है एक स्टेशन के कैटेगरी को किस तरह से डिसाइड करते हैं, कि मतलब कौन सा कैटेगरी में, यह NSG1 है या हॉल्ट है या H1 है, मतलब किस तरह के कैटेगरी में यह स्टेशन आएगा, यह कैसे डिसाइड होता है। तो कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका आंसर होगा ये होता है स्टेशन्स एनुअल पैसेंजर्स अर्निंग, मतलब हर स्टेशन का एनुअली कितने पैसेंजर द्वारा अर्न होता है, मतलब स्टेशन का जो वार्षिक यात्री से जो आय होता है उसके आधार पर हम लोग स्टेशन को कैटेगराइज करते हैं कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, मतलब कमर्शियल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करते हैं, तो उस स्टेशन का जो है वार्षिक आय पैसेंजर से कितना होता है उसके आधार पर हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर है, यह भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फॉर गिविंग ए माइनर पेनाल्टी विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड। कहता है कि देखिए जब हम कोई गलती करते हैं ना तो रेलवे उसको पेनाल्टी देती है, मतलब ये जुर्माने के तौर पे, पनिशमेंट के तौर पे ये देती है। तो कहता है कि उसके लिए जो SF होता है वह SF 11 क्या है, माइनर पेनाल्टी के कैटेगरी में आता है। SF स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है, SF का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड जो फॉर्म होता है SF 11, वह माइनर पेनाल्टी के कैटेगरी में आता है। मतलब जब कोई मामूली गलती करता है या मामूली जुर्माना देने के लिए जो स्टैंडर्ड जो फॉर्म होते हैं वह SF 11 है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब किसी को मेजर पेनाल्टी दिया जाता है, माइनर पेनाल्टी है, छोटा सा कोई भूल चूक है तो उसके लिए SF 11 दिया जाता है, अगर कोई वो बड़ा गलती किया हो, मेजर पेनाल्टी देना हो, तो कौन सा फॉर्म दिया जाता है, ठीक है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी होगा, SF 11, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द एडवांस्ड रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट्स। कहता है कि एक टिकट को एडवांस में हम लोग कितना दिन पहले बुक कर सकते हैं। ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए 120 डेज, मतलब किसी टिकट को हम लोग एडवांस में 120 दिन पहले बुक कर सकते हैं, ठीक है ना। यह भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना क्वेश्चन देखे हैं वो सब के सब हमारे चैनल पे आपको मिलते हुए दिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास फॉर चार्जिंग फ्रेट। कहता है कि फ्रेट में क्या होता है, क्लास बांटा गया है कि किस क्लास में कौन सा जो है चार्ज लगेगा। तो कहता है कि फ्रेट का जो हाईएस्ट चार्ज होता है वह क्लास 200 होता है। ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। तो ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, इन हाउ मेनी ग्रुप्स द गुड सेड आर क्लासिफाइड। कहता है गुड सेड जो होते हैं उसको कितने कैटेगोरी में बांटा गया है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 3, मतलब गुड सेड को जो है 3 कैटेगोरी में बांटा गया है। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बार बार कहते हैं कि सर्क एंड ड्रोन LDCE क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके डिपार्टमेंटल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारा ये 100% दावा है कि अगर आप वीडियोज को देखते हैं, थोड़ा बहुत ही फॉलो करते हैं, आपका रिजल्ट 100% होगा। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं ऊपर जो है, ये सब के सब आपको हमारे वीडियोज में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फ्लोइंग हैज पावर टू वेव ऑफ डेमोरेज एंड वारफेयर चार्जेज। ऑप्शन है ACM, DCM, DRM एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। देखिए ये डेमोरेज और वारफेयर जो चार्जेज होते हैं, ये ACM को भी पावर है उसको वेव ऑफ करने का, DCM को भी है, DRM को, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। मतलब अब ये वारफेयर चार्जेस क्या होता है, डेमोरेज चार्जेस क्या होता है, इस पर भी हम लोग क्लासेस किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ऐसे थोड़ा बहुत जानकारी के लिए, रेलवे परमिशंस में कोई सामान अगर उसके फ्री ऑफ टाइम से ऊपर रहता है तो रेलवे उस पर कस्टमर से जो है वारफेयर चार्ज लेती है। उसी तरह से डेमोरेज चार्ज भी, कोई रोलिंग स्टॉक वगैरह रुकता है तो डेमोरेज चार्जेस लिया जाता है। इस पर भी वीडियोज बने हैं, आप देख सकते हैं, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल से है। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर द वेवर ऑफ वारफेज एंड डेमोरेज चार्जेज। हियर 4 ऑप्शन हैज बीन गिवन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन योर आंसर विल बी ऑप्शन सी
IREPS कहता है कि वारफेज चार्ज और डीसी फॉर डेमोरेज चार्ज के लिए कौन सा पोर्टल यूज किया जाता है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी रेलवे में क्या है कि बहुत सारे ऐप्स बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज किए जा रहे हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से जो है डिजिटल जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, हर काम पेपरलेस की तरफ जो है बढ़ते जा रहा है। तो डेमोरेज चार्जेस के लिए और वारफेज चार्जेस के लिए जो है IREPS का यूज़ किया जाता है, यह पोर्टल है जिसका हम लोग यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स ये IREPS का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ऐसे आपकी जानकारी के लिए हम यहाँ बता दें। यह होता है इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। IREPS का मतलब क्या होता है, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है। इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं डेमोरेज और वारफेज चार्जेस को जो है यूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी प्रिविलेज पासेस आर अवेलेबल टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे इन ए कैलेंडर ईयर। कहता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में जो ऑफिसर्स होते हैं इंडियन रेलवेज के उनको एक साल में कितने पासेस दिए जाते हैं। इसका जो आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, 6 पास दिए जाते हैं। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, ठीक है ना। मतलब ग्रुप ए ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं रेलवे के उनको एक साल में 6 पास दिया जाता है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर कोई सर्विंग एम्प्लॉई है और जो उसका 5 साल पूरा हो गया है तो उसको कितने पास एक साल में मिलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया, अगर कोई रेलवे सर्विंग एम्प्लॉई है और उनका सर्विस 5 साल पूरा हो चुका है तो उनको एक साल में कितने पासेस मिलते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो ऑफिसर्स होते हैं रेलवे के उनको एक साल में कितने पासेस मिलते हैं, तो 6 मिलते हैं, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। यह भी हमारे यूट्यूब चैनल पर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट द स्केल फॉर पार्सल बुकिंग। कहते हैं पार्सल बुकिंग का इसमें से कौन सा स्केल नहीं है। तो रेलवे में क्या है पार्सल को बुक करने के लिए 3 स्केल दिए गए हैं, वो कौन कौन स्केल है, PRS है। PRS क्या है, ये स्केल है जिसके द्वारा हम लोग पार्सल को गुड्स को बुक करते हैं। इसमें जो ऑप्शन बी है वह पार्सल बुकिंग का स्केल नहीं है, मतलब क्यू इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग क्या है PRS इसके स्केल है, ये भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन इन हाउ मेनी कॉपीज पार्सल वे बिल आर प्रिपेयर्ड। कहता है पार्सल वे बिल जो होते हैं मतलब जब आप पार्सल को बुक करते हैं तो पार्सल क्लर्क जो होते हैं आपको एक बिल देते हैं, तो वह बिल जो है कितने कॉपी में तैयार किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन सी 4। कहने का मतलब है कि जब आप पार्सल बुक करते हैं तो उसका जो बिल बनता है उसमें 4 कॉपीज होते हैं, ठीक है ना, 4 कॉपी उसके होते हैं। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये 4 कॉपी कौन कौन से होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और यह क्वेश्चन भी जो पूछा गया है हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPT। BPT का फुल फॉर्म क्या होता है, इस पर भी वीडियोज बने पड़े हुए हैं। इसका जो आंसर होगा वो ब्लैंक पेपर टिकट होता है, ऑप्शन सी इसका आंसर है, ठीक है ना, ये भी हमारे चैनल पे मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज YTSK। YTSK क्या है, तो YTSK जो है यात्री टिकट सुविधा केंद्र है, यात्री टिकट सुविधा केंद्र है, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। YTSK क्या है, यह भी जो है टिकट इशूट करते हैं, ठीक है ना। तो YTSK का जो फुल फॉर्म होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र होता है, ऑप्शन डी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज SWA। SWA क्या होता है, इसका जो आंसर होगा वो होगा सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड। SWA का जो फुल फॉर्म होगा वो सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड होगा, ये भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जितना क्वेश्चन देखे हैं 100% क्वेश्चन जो है हमारे चैनल से टैली कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है रेलवे एक्ट 147 इज एसोसिएटेड विद, आंसर विल बी, कहता है रेलवे अधिनियम 147 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, अनऑथराइज्ड एंट्री इन रेलवे प्रमिसेस। कहता है कि रेलवे का सेक्शन 147 कहता है कि अगर कोई गलत ढंग से अनऑथराइज ढंग से रेलवे परमिशन में एंट्री करता है तो उससे संबंधित सेक्शन है। ऑलरेडी आपको टिकट चेकिंग में सेक्शन से संबंधित वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उसमें देख सकते हैं, ये सेक्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्ट इन इंडियन रेलवेज, आंसर विल बी ऑप्शन ए 16th अप्रैल 1857। कहता है भारत में पहला रेल
कब स्टार्ट हुआ था, मतलब भारत में रेलवे कब शुरू हुआ था, तो हुआ था 16 अप्रैल 1853 को। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत में जो रेलवे शुरू हुआ उसको शुरू करने वाले कौन से गवर्नर थे उस समय, मतलब जिस समय भारत में रेलवे शुरू हुआ उनके जन्मदाता किसे कहा जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन हमारे वीडियोस में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ स्टेशन कंसल्टेटिव कमिटी जनरली। आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ईयर्स। कहता है स्टेशन जो कंसल्टेटिव कमेटी होते हैं उसका टेन्योर कितना साल का होता है, मतलब स्टेशन सलाहकार समिति का आमतौर पर कार्यकाल कितने समय का होता है, तो वह 2 साल का होता है। ऑप्शन बी इसके आंसर होंगे, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस देखे हैं सबका सब मिलेंगे आपको जो है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज रेल मदद। रेल मदद क्या है, तो देखिए रेल मदद क्या है, एक ऐप है जो साउथर्न रेलवे के आईटी विंग द्वारा डेवलप किया गया है और यह जो है पैसेंजर्स को हेल्प करता है, मदद करने के लिए है। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं। कहता है ऑप्शन सी को देखिए, मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड हेल्प टू द पैसेंजर्स। रेल मदद क्या है, एक ऐप है जो पैसेंजर्स को मदद के लिए बनाया गया है। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, When was the last separate railway budget presented in India? कहता है कि भारत में जो लास्ट अलग बजट रेलवे का कब प्रस्तुत किया गया था, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 2016 में। मतलब 2016 में जो है भारत का जो अलग बजट था रेलवे का वो जारी किया गया था। 2016 के बाद से इस बजट को क्या कर दिया गया, मिला दिया गया। अब आम बजट के साथ ही रेलवे बजट भी साथ में ही आती है। उससे पहले क्या था, 2016 से पहले ये रेलवे बजट अलग जारी होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड ऑन ए सर्कुलर जर्नी टिकट्स। आंसर विल बी ऑप्शन सी, 8। कहता है सर्कुलर जर्नी पे मैक्सिमम जो ब्रेक जर्नी है वो कितने ले सकते हैं, तो मैक्सिमम जो है सर्कुलर जर्नी पे ब्रेक जर्नी 8 ले सकते हैं। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच आर द फ्लोइंग गेज इज यूज इन हिली एरिया ऑफ इंडिया। आंसर विल बी ऑप्शन ए, नैरो गेज। कहता है पहाड़ी एरिया में जो ट्रेनें चलती हैं ना, जनरली इसमें नैरो गेज का यूज किया जाता है। ये भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। तो विच ऑफ द फ्लोइंग गेजेज यूज इन हिली एरिया, हिली एरिया में कौन से गेज यूज होते हैं, तो नैरो गेज यूज होते हैं। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, What is the purpose of having ticket checking organization on railway? कहता है रेलवे में टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होने का क्या पर्पस है, क्या उद्देश्य है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। पहला है टू इरेडिकेट द इविल ऑफ टिकट लेस ट्रेवल। सेकेंड है टू गाइड पैसेंजर्स करेक्टली। थर्ड है टू इंश्योर दैट द पैसेंजर्स एमिनिटीज आर मेंटेन्ड प्रॉपरली। आंसर डी है, ऑल ऑफ द दीज। देखिए टिकट चेकिंग जो ऑर्गेनाइजेशन जो रेलवे में बनाए गए हैं इसका मेन उद्देश्य क्या है, तो बिना टिकट यात्रा की बुराई को रोकना जो है, खत्म करना, ताकि यात्रियों को सही मार्गदर्शन किया जा सके और यात्रियों को सही सुविधाएं मिल सके। इन सबों को ध्यान में रखने के लिए टिकट चेकिंग प्रावधान किया गया है, इसलिए ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एम एस धोनी वर्कड इन विच डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे। महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट में ज्वाइन करने से पहले वह टीसी थे, टिकट कलेक्टर थे, तो वह कौन से साउथ ईस्टर्न रेलवे के कौन से डिवीजन में काम करते थे, तो इसका आंसर जो होगा खड़गपुर होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, लेकिन ये क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रिजर्व टिकट्स कैन बी बुक्ड थ्रू विच ऑफ द फ्लोइंग। आंसर विल बी ऑप्शन सी, YTS के। रिजर्व जो टिकट होता है वह YTS के द्वारा आप बुक कर सकते हैं, ये भी हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा। ATBA में से क्या होता है, लोकल टिकट लेते हैं, UTS मोबाइल ऐप से भी लोकल टिकट लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन YTS के क्या करता है, यह रिजर्व टिकट भी देता है, बुक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट राजधानी ट्रेन इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बिटवीन न्यू दिल्ली एंड विच अदर स्टेशन। आंसर विल बी ऑप्शन सी, हावड़ा रेलवे स्टेशन। कहता है कि भारत में जो पहली राजधानी ट्रेनें नई दिल्ली से चलाई गई थी, तो वह नई दिल्ली और किस स्टेशन के बीच में चलाई गई थी, तो ऑप्शन सी होगा, वो हावड़ा रेलवे स्टेशन के बीच में चलाई गई थी। ये भी क्वेश्चन हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फ्लोइंग आइटम्स कैन बी सोल्ड ऑन OSOP काउंटर्स। अब ये OSOP काउंटर्स क्या है ये समझ लेते हैं।
OSOP का मतलब होता है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। OSOP क्या है? वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। यह मोदी गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया प्रोग्राम है, रेलवे यह प्रोग्राम चला रही है। इसमें क्या है कि जो भी उस लोकल एरिया के जो भी अच्छे क्वालिटी या जो भी सामान है उसको प्रमोट करने के लिए यह स्कीम लाया गया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। तो इसमें जो है जनरली जो लोकल जो मतलब आइटम्स है वो बेचे जाते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं, तो यहाँ जो ऑप्शन सी होगा लोकल हैंडीक्राफ्ट, ये इसके आंसर हो जाएंगे, मतलब स्थानीय जो हस्तशिल्प हैं, लोकल जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स होते हैं उन्हीं को इस स्कीम के द्वारा बेचने का परमिशन स्टेशन पर दिया गया है, ठीक है ना, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत। ऑप्शन सी इसके आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड? आंसर विल बी ऑप्शन बी जबलपुर। कहता है वेस्ट सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका जबलपुर होगा। देखिए ऑलरेडी इस पर भी वीडियोस हमारे सरकंडन LDC यूट्यूब क्लासेस पे बने हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, ये भी चैनल से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वेयर इज ICF लोकेटेड? ICF क्या है? आंसर विल बी ऑप्शन बी पेराम्बूर। ICF क्या है? पेराम्बूर में है। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ICF का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी हमारे YouTube चैनल पर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वाज द नेम ऑफ वंदे भारत ट्रेन इनिशियली? आंसर विल बी ऑप्शन बी ट्रेन 18। कहा था वंदे भारत जब शुरू में बना था तो उसका शुरुआत का नाम क्या रखा गया था, तो वह ट्रेन 18 था, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वंदे भारत को किस फैक्ट्री में, रेलवे किस फैक्ट्री में बनाया गया था शुरुआत में जो है, ठीक है ना, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, विच आर द फ्लोइंग प्लेन हिड रिगार्डिंग रेलवे फंड इज रिलेटेड टू कस्टमर एमिनिटीज? आंसर विल बी ऑप्शन डी PH 57। कहता है PH 53। रेलवे फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रमुख ग्राहक सुविधाओं से संबंधित है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, PH 53 है, PH 53 है, ठीक है ना, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा यूनिक नया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ SNT डिपार्टमेंट इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में सिग्नल डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं, रेलवे बोर्ड में सिग्नल डिपार्टमेंट के हेड कौन होते हैं, तो आंसर होगा MI जो होते हैं रेलवे बोर्ड में SNT डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा MI का एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, MI का विस्तृत रूप क्या होता है। ऑलरेडी इस पर भी हम वीडियोस बना चुके हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रेलवे में, कि बोर्ड लेवल पर कौन कौन से अधिकारी होते हैं, जोनल लेवल पर कौन होते हैं, डिविजन लेवल पर कौन होते हैं, स्टेशन लेवल पर कौन होते हैं, इस पर भी वीडियोज बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कैन एक्ट एज फैसिलिटेटर ऑफ ATVM? कहता है ATVM के फैसिलिटेटर के रूप में कौन काम कर सकता है। ATVM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन होता है। ऑप्शन जो यहाँ दिया गया आइए देख लेते हैं, कहता है एनी रेलवे एम्प्लॉय, सेकंड ऑप्शन है ओनली रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, थर्ड है एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय, फोर्थ है ओनली रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन बी ओनली रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय। पहले क्या होता था कि ATVM जो मशीनें हुआ करती थी, जो रिटायर्ड जो रेलवे कर्मचारी होते थे उसको वो लोग जो है इसको ऑपरेट करते थे, मतलब ATVM इस मशीन को चलाते थे, स्टेशनों पे अनरिजर्व टिकट इस मशीन के द्वारा देते थे। कौन देते थे? रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी लोग जो हुआ करते थे वो लोग इस मशीन द्वारा जनरल पब्लिक को टिकट दिया करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि रेलवे जनरल पब्लिक को भी इंक्लूड कर रही है, मतलब जो वहाँ के लोकल जो उस एरिया के उस स्टेशन के जो लोकल जो जनरल पब्लिक है उनसे भी अब एप्लीकेशन लिया जा रहा है ATVM को ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, ओनली रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, ये भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर e-auction इन कमर्शियल डिपार्टमेंट? देखिए बार बार कह रहे हैं कि डिजिटल इंडिया के डिजिटल रेलवे की तरफ भी गवर्नमेंट चल रही है, रेलवे बोर्ड भी चल रही है, इसलिए बहुत सारे आईटी एप्लीकेशंस और ऐप्स जो है रेलवे में यूज हो रहे हैं। इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे आने वाले समय में, ठीक है ना, हमको पढ़ना भी है CCTS के सिलेबस में। तो यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर ई ऑक्शन इन कमर्शियल डिपार्टमेंट, आंसर विल बी ऑप्शन सी
IREPS कहता है कि अगर आप इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन का मतलब होता है कि आप ऑनलाइन कोई सामान खरीदना या बेचना, जो रेलवे का काम, रेलवे जो काम कर रही है ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन करने का, तो किस पोर्टल का यूज करती है, किस साइट का यूज करती है, तो आंसर होगा इसका सी, IREPS। इसका हम ऑलरेडी एक्सपेंड फॉर्म बता चुके हैं, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम होता है, इसी के द्वारा रेलवे जो है ई ऑक्शन जो अपना है वो कर रही है। ये भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ ब्लैक ऑयल इन टैंक वैगन। कहता है कि ट्रेन वैगनों में काले तेल की लोडिंग के लिए जो परमिसेबल फ्री टाइम होता है वह कितना होता है, तो ऑप्शन बी इसके आंसर होगा 7 आवर्स, मतलब 7 घंटे के फ्री टाइम दिए जाते हैं। देखिए रेलवे क्या करती है कि जब आप कोई वैगन्स रेलवे से लेते हैं तो रेलवे एक फ्री टाइम देती है, उसी टाइम में आपको क्या करना है, जो सामाने हैं आपको लोड उसमें कर देना है, ठीक है ना। अगर उस फ्री टाइम से अगर उस बियॉन्ड आप जाते हैं, उससे ऊपर जाते हैं, तो रेलवे चार्ज करती है, ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्लैक ऑयल इन टैंक वैगन, मतलब टैंक वैगन में अगर ब्लैक ऑयल को लोड करना है तो उसका फ्री टाइम जो होता है, परमिसेबल फ्री टाइम जो है रेलवे द्वारा कितना घंटा दिया जाता है, 7 घंटा दिया जाता है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। यह भी क्वेश्चन हमारे चैनल पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज ऑथराइज टू रिड्यूस परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ रेक ऑफ कोल। कहता है कि कोयले की रेक की लोडिंग के लिए खाली समय कम करने के लिए इसमें से कौन अधिकृत है, किनको यह अथॉरिटी है, तो यहां जो ऑप्शन दिए गए हैं इस ऑप्शन में जो है जोनल जो रेलवे होते हैं, जोनल रेलवे होते हैं उनको यह अथॉरिटी होता है, उन वो ऑथराइज होते हैं, ठीक है ना, इस समय को कम बेस करने के लिए, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हु ऑफ द फ्लोइंग कैन इम्पोज पेनल डेमोरेज चार्जेस। आंसर है यहाँ PCOM, PCCM, DRM, ऑल ऑफ दीज। कहता है हु ऑफ द फ्लोइंग कैन इम्पोज पेनल डेमोरेज चार्ज, कहता है पेनल डेमोरेज चार्ज कौन लगा सकता है, तो वो PCOM भी लगा सकता है, PCCM भी लगा सकता है, DRM भी लगा सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। तो कहने का मतलब कि अभी तक जितने हम लोग क्वेश्चंस देखे हैं वो 100% हमारे सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस का जो यूट्यूब चैनल पे चैनल है उस पर मिल जाएगा। इसलिए बार बार कहते हैं कि आपको जो तैयारी करना है रेलवे डिपार्टमेंटल का, CCTC, सीनियर CCO, CCTS का हो, वो काफ़ी है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल सरकंड्रॉन LDCE क्लासेस।